हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटी वीडियोस। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक सिंपल सूट, जिसे हम लोग लेस लगा के एक अच्छा डिजाइन बनाने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखा, ये आप देख रहे हो, इसमें बावा कलर का है ये। आप इसमें कोई भी कलर मैचिंग कर सकते हो, जैसे कि मैरून कलर भी बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर और ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो लेके आई हूँ वो है नेवी ब्लू कलर। आप देख सकते हैं मेरे पास जो लेस है इसका कलर है नेवी ब्लू। मैंने बहुत सारे कलर इसमें मैचिंग किए, इसमें मैरून भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे पास में इसी कलर का दुपट्टा है, इसलिए मैं इसी कलर की लेस लेके आई हूँ। तो अभी मैं आपको इसका डिजाइन दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से इसका सिंपल डिजाइन बना सकते हो। पहले मैं आपको सीधा बना करके दिखाऊंगी, आप भी अपना ओपिनियन मेरे साथ में शेयर कर सकते हो कि आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं किसी और तरीके से लगाती तो वो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन अभी मैं आपको सीधा बना के दिखा रही हूँ। इसके बाद में मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाऊंगी मशीन से कि ये कैसा लगेगा, और बाद में पूरा सूट भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है इस लेस में, क्योंकि अभी इस लेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये आप सिंपल लेना चाहो तो ये सिंपल भी मिल जाते हैं, और ये पहले स्टार्टिंग में ये सिंपल ही आए थे, लेकिन अभी ये जो है लेस के साथ भी आ रहे हैं। लेकिन और ये ज्यादा महंगी लेस भी नहीं है, बट बहुत अच्छा इसका डिजाइन बनेगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं सिंपल डिजाइन इसका बनाने जा रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को इसका नहीं पता होता कि हम लोग यहाँ से कैसे फोल्ड करें जो लेस लगाते हैं उसको। तो जब मैं मशीन से करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊँगी कैसे स्टिच करना, बट अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। पहले आपको इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करना है और ऐसे करना है इसको। अभी मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं जो लगाने वाली हूँ। आप इस लेस को, अगर आप कमीज थोड़ा नीचा करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो, अगर ऊपर करना है तो थोड़ा ऐसे ऊपर भी लगा सकते हो, बट आई थिंक ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं वैसे ही फोल्ड करूँगी जैसे आपको मैंने पहले बताया था, उसमें इस तरह से फोल्ड करना है इसको यहाँ पे। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि ये है घेरा डिजाइन जो सिंपल है बिल्कुल ही, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा लेस बची है उसका भी मैं यूज करने वाली हूँ, या तो इसको गले पे लगाने वाली हूँ या इसको बाजू पे यूज करने वाली हूँ। तो अभी आप इसके साथ ही देख सकते हो इसको। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं बाजू पे, ये सिंगल बाजू, और अभी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको दूसरे बाजू पे, बट इसी तरह से हम इस दूसरे पे भी लगा सकते हैं इस तरह से। जब मैं पूरा इसको स्टिच करूंगी तब ये पूरा दिखाऊंगी कि इसका डिजाइन कैसा लग रहा है। अभी आप सिंपल देख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको गले पे भी लगा सकते हैं। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि गले पे ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर बाजू पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको बता के दिखा रही हूँ गले पे भी। ये बीच वाला नहीं होगा, सिंपल। सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि सूट सिला हुआ है तो वो अंदर आएगा नहीं, और अगर हम सीधा लगाएंगे तो यहाँ से ये खुल जाएगा, इसलिए पहले इसको फोल्ड करके और यहाँ पे हम लोग सिल लेते हैं इसको थोड़ा। अभी आप देख सकते हो इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर लिया, ये देखो यहाँ से फोल्ड हो गया। अब हम इसको सूट पे लगाएंगे। अभी हम लोग इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमें इस लेस को यहाँ से मोड़ना कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले तो देखो यहाँ से मैंने ये थोड़ी हटा लेती हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिया,
यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे किया, ये चीज़ जो है इसको इस तरह से हम लोग मोड़ देंगे ऐसे ऐसे बस। फिर क्या करना है, ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है कि जितना हमने यहाँ से ऊपर से सिला है वैसे इधर सिलना है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ मोड़ा तो ये ज़्यादा गैप आ गया, फिर हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह से, अभी सही आ रहा है। तो बस अब टांका लगा देंगे इसके ऊपर ताकि ये ऐसे ही बना रहे बस। कुछ लोग इसको सीधा ले लेते हैं, अगर आपको गोलाई में लेना है फिर हम लोग इसको सीधा ले सकते हैं। अभी हम हमारा कंटिन्यू वैसे ही कर लेंगे जैसे पहले किया था। अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक ये कंप्लीट है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी इसको फोल्ड करना पड़ेगा ना। मैं ये चीज़ कर लेती हूँ ताकि इसको दोबारा फोल्ड करूँ तो ये बीच में ना। अभी इसको फोल्ड करूंगी तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम दूसरा टांका भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ के साथ। बस अभी हम जल्दी जल्दी दूसरा टांका फटाफट लग जाएगा दूसरा। अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं बाजू पे, बाजू सिली हुई है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, बट आप ध्यान रखना कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो अंदर ना आ जाए बाजू का, और बस आराम से लगाते रहिए। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस वैसे ही लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाई है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा जो सूट है वो पूरा बन करके तैयार हो चुका है, और अभी हमने आपको पहन करके भी दिखाया है। ये अलग अलग पोज हैं जो आप देख सकते हैं। तो जो बच गई थी वो मैंने गले पे भी लगाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, और दुपट्टा भी इस पर अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सेम मैचिंग की मैंने जूती भी डाली है। आप चाहो तो इस पर हील के सैंडल्स भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं सूट पर, बट मुझे जूतियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप अभी हमने पूरा डिज़ाइन आपको दिखा दिया है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारा डिज़ाइन अच्छा लगा है ये सूट का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ये सूट कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो ऊपर बेल का आइकन है वो भी दबा लीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू एंड बाय बाय।